गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम लोग आप लोगों को अगली वीडियो में बताए थे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, आज हम उस चैप्टर के अगले चैप्टर में चलेंगे कि अपरिमेय संख्याएं। प्रश्नावली 1.2 उसमें दिया है अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं उसके बारे में बताएंगे। अपरिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं यह पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती हैं, पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती हैं। ये जो संख्याएं होती हैं यह संख्या यश से प्रदर्शित किया जाता, मतलब यह संख्या यश को संख्या यश को अपरिमेय संख्या कहा जाता है, अपरिमेय संख्या कहा जाता है। यदि इसे पी अपान क्यू क्यू रूप में न लिखा जा सकता है। इसे हम लोग पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसको एक पॉइंटेड जैसे कड़ी में किसी संख्या को हम लोग लेते हैं, जैसे 2 ले लेते हैं, 4 लिख लेते हैं, 6 ले लेते हैं, ये सब संख्याओं को हम लोग कड़ी में जो संख्या लिख रहेगी वो हमारी कौन सी संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। वो संख्या हमारी कौन सी संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। लिखा जा सकता है जहां पी और क्यू पूर्णांक हैं और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। इसमें एक और संख्या आती है वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या या तो परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकती है, वास्तविक संख्या परिमेय या तो अपरिमेय संख्या हो सकती है। वास्तविक संख्या इसका जो नियम होता है बच्चों, जैसे कोई भी संख्या हम लोग लेते हैं, यहाँ पे उदाहरण लिख लो, उदाहरण कड़ी में 2, 5, 15 ये सब जो हमारी क्या है अपरिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ पे वास्तविक संख्या या तो परिमेय संख्या परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकती है। अतः इसे कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जा सकता है। साथ ही संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या का निरूपित करता है। ये क्या करता है, वास्तविक संख्या या तो परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकती है। अतः हम यह कह सकते हैं
सकते हैं कि प्रत्येक की प्रत्येक वास्तविक संख्या प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है। साथ ही यह संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। यह यदि कारण है कि संख्या का वास्तविक संख्या रेखा कहा जाता है। इसको संख्या रेखा, जैसे एक हमारी संख्या रेखा होती है, इसके बीच में हमारी मेन पॉइंट क्या मानी जाती है? जीरो मानी जाती है। और राइट मतलब बाएं हाथ की तरफ की हमारी संख्या क्या होती है? माइनस की होती है। और दाएं हाथ की तरफ की संख्या क्या होती है? प्लस की होती है। हमारी संख्या प्लस की होती है। इस संख्या रेखा पे हम लोग किसी भी बिंदु को अगर निरूपित कर रहे हैं, तो हम लोग पहली पॉइंट जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? शून्य से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारी कोई भी पॉइंट अगर स्टार्ट होगी तो जिस संख्या को निरूपित करना होता है हम लोग उस संख्या पर ला कर उसको क्या कर देते हैं? गिरा देते हैं। हम लोग चलते हैं अभ्यास की तरफ अपनी। जैसे पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, सत्य और असत्य बताना है और कारण के साथ अपने उत्तर को दीजिए। तो इसमें हम लोगों को संख्या को असत्य और सत्य बताने के बाद भी हमको क्या बताना, एक किस कारण से क्या है, सत्य है कि असत्य है। वास्तविक संख्या या अपरिमेय संख्या जो भी है उसको क्या नाम है, उसके कारण को हमको समझाना है। तो यहाँ पे पहला सवाल है तुम्हारा, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि अगर जो भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है उसको किस कारण से यह सत्य है और किस कारण से असत्य है, उसको हमको दर्शाना पड़ेगा, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। यहाँ पर दिया है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यहाँ पे लिखा है पहला क्वेश्चन है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या
होती है, होती है। ये सत्य है या असत्य? अभी हम तुम लोगों को बताएं कि वास्तविक संख्या अपरिमेय और क्या होती है, परिमेय या तो अपरिमेय होती है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, तो ये कथन हमारा क्या है, सत्य है। यह कथन हमारा क्या है, सत्य है। लेकिन इसका कारण भी हमको क्या है, बताना है। इसका कारण भी हमको क्या करना है, बताना है। अब वास्तविक संख्या क्यों हमारी, वास्तविक संख्या हमारी क्यों सत्य है, अब इसको हमको बताना है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्योंकि वास्तविक संख्या, संख्या का संग्रह, वास्तविक संख्या का संग्रह परिमेय और अपरिमेय व संख्याओं से मिलकर बना होता है। अभी हम तुम लोगों को क्या नाम फार्मूले में लिखवाए ना कि संख्या जो होती है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं, उसको मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि, क्योंकि क्योंकि वास्तविक संख्या, वास्तविक वास्तविक संख्या, संख्या का संग्रह, का संग्रह, संग्रह परिमेय, परिमेय और अपरिमेय, और अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय संख्याओं से, संख्याओं से मिलकर, मिलकर बना होता है, मिलकर बना है, बना है। अतः प्रत्येक अपरिमेय संख्या, अतः प्रत्येक, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक, वास्तविक संख्या होती है, होती है। उसका कारण हमारा क्या है कि क्योंकि वास्तविक संख्या का संग्रह, मतलब वास्तविक संख्या जो अपरिमेय और परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो आपस में मिलकर क्या होती हैं, बनी होती हैं। इसलिए हमारा क्या है, पर अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या भी किस संख्या में जुड़ता है, वास्तविक संख्याओं में जुड़ती है, वास्तविक संख्याओं में जुड़ती है। इसलिए वह हमारा कथन क्या होगा, सत्य होगा। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णी में यम के रूप, रूप का होता है, कर्णी में यम के रूप का होता है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन है संख्या रेखा का, संख्या रेखा का प्रत्येक, प्रत्येक बिंदु, प्रत्येक बिंदु कर्णी में यम, कर्णी में यम के रूप का होता है, के रूप का होता है, है होता है, जहाँ, जहाँ यम एक, यम एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब यहाँ बोल रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णी में यम के रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। तो कर्णी का तुम लोगों को पता है, कर्णी में अगर
जोड़े बनते हैं, जैसे यहाँ पर चार लिखा हुआ था, यहाँ पर दो गुणे दो होता है, दो गुणे दो होता है, तो इसका मान जो आएगा हमारा आंसर आएगा दो आएगा, इसका आंसर हमारा क्या आएगा दो आएगा, ये हमारी वास्तविक संख्या बनी गई। तो यहाँ पर बोला है कर संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णी में यम के रूप का होता है, जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है, यह हमारा आंसर क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, क्या हमारा आंसर हो जाएगा असत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कर्णी का मान हमारा क्या आ रहा है अलग आ रहा है, असत्य होगा। अब इसका हम लोग इसको आखिर क्यों असत्य है उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे बोला है यदि यम एक प्राकृतिक संख्या है तो संख्या रेखा पर, यदि यदि यम एक प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या है तो संख्या रेखा पर के बल एक दो तीन चार पाँच .. हैं बिंदु ही होने चाहिए जबकि संख्या रेखा पर दो क्रमागत संख्याओं के मध्य अनंत संख्याएं होती हैं। अब हम लोग संख्या रेखा पर अगर कोई भी संख्या लिखते हैं तो क्या उसके आगे पीछे क्या होते हैं अनंत संख्याएं होती हैं, इसको जहां तक लिखना चाहते हैं हम लोग वहां तक लिख सकते हैं, इसलिए यह एक क्या है यह जो है हमारा। और यहां पर बोला है कि यम केवल एक क्या है प्राकृतिक मतलब क्या है बोला है कि कर्णी में यम का रूप प्राकृतिक है, ये हमारा केवल यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यम ही एक संख्या है, तो यह हमारा असत्य इसलिए है कि कोई एक ही संख्या रेखा पर कोई भी रेखा पर एक ही संख्या विराम नहीं करती है, एक ही संख्या होती नहीं है, इसलिए यह संख्या क्या है अपरिमेय है। जबकि संख्या रेखा पर दो क्रमिक संख्याओं के मध्य अनंत संख्याएं होती हैं, अनंत संख्याएं होती हैं। अब हम तुम लोगों को बताएं कि यहाँ पर संख्या कितनी होती है, बहुत ज़्यादा लिखनी जितना लिखना चाहते हैं हम लोग उतना लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने अनुसार लिखते हैं और इस रेखा को यहीं पर क्या कर देते हैं रोक देते हैं, इस संख्या रेखा को हम लोग यहीं पर रोक देते हैं, अगर ये रेखा पर रोकेंगे नहीं तो ये रेखा हमारी क्या होगी अमूल्य होगी, मतलब इसको जितना मन कहे उतना क्या कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं, जितना करना चाहते हैं उतना उससे अधिक हम लोग उसको बढ़ा सकते हैं, इसलिए हम लोग संख्या रेखा को रोककर अपने अनुसार से जितनी भी संख्याएं लिखनी होती है उतनी ही संख्या लिखते हैं। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, इसके बाद है प्रत्येक वास्तविक संख्या, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब यहां पर तुम लोगों को बताएं प्रत्येक वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं,
यहाँ पर तुम लोगों को बताए क्या नाम है, वास्तविक संख्या अपरिमेय तथा परिमेय संख्या होती है। और यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है तुम्हारा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए यह भी कथन क्या होगा हमारा, असत्य होगा। तो यहाँ पे हमारा तीसरा सवाल है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब यहाँ पे तुम लोग, क्योंकि वास्तविक संख्या के संग्रह में परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं, और इसमें केवल क्या बोला है, अपरिमेय संख्याएं, केवल एक ही संख्या बोल रहा है, लेकिन वास्तविक संख्या में क्या है, दोनों अपरिमेय और परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को मिलाकर ही हमारी वास्तविक संख्या जो होती है बनती है। तो यहाँ पर केवल एक संख्या बोल रहा है, तो यह भी कथन हमारा क्या होगा, असत्य होगा। क्या हमारा कथन होगा, असत्य होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे उसके कारण लिखेंगे क्यों हमारा असत्य है। तो यहाँ पे क्योंकि वास्तविक संख्याओं के संग्रह में परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं, अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती हैं। अतः प्रत्येक अतः प्रत्येक वास्तविक प्रत्येक वास्तविक संख्या का परि अपरिमेय प्रत्येक वास्तविक संख्या का अपरिमेय 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 संख्या अपरिमेय संख्या होना आवश्यक नहीं है। इसमें वास्तविक संख्या जो होगी, यहाँ बोला क्योंकि वास्तविक संख्याएं जो होती हैं हमारी, उसका जो होगा संग्रह, मतलब जो अधिक संख्याएं होती हैं उसके, वहाँ पर हमारे अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्याएं होंगी, केवल एक ही संख्या अपरिमेय से हमारी वास्तविक संख्या नहीं बनेगी, वहाँ पे संख्या जो होगी परिमेय और अपरिमेय दोनों जहाँ पर मिलेंगे वहाँ पर हमारी जो संख्या बनेगी वो हमारी क्या बनेगी, वास्तविक संख्या बनेगी, इसलिए यह कथन जो हमारा क्या है, असत्य है। इसके बाद हमारा है दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांक
यहाँ भी बोला है क्योंकि सभी धनात्मक धनात्मक पूर्णांकों के वर्ग वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यहाँ भी बोला है दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन है क्योंकि 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 सभी क्योंकि सभी धनात्मक 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 संख्याओं धनात्मक पूर्णांकों पूर्णांकों धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल के वर्ग मूल वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, अपरिमेय होते हैं। धनात्मक जो पूर्णांक होते हैं उसके, यहाँ बोला है धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो यदि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या एक ऐसी संख्या के वर्गमूल 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 का उदाहरण का उदाहरण 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 दीजिए जो परिमेय संख्या है, उदाहरण दीजिए दीजिए जो जो एक एक परिमेय परिमेय संख्या है। अब यहाँ बोला है कि एक हमें क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांक, जैसे यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक एक हुआ, चार हुआ, छः हुआ, सात हुआ, आठ हुआ, नौ हुआ, ये हमारी संख्याएं कौन सी हैं? धनात्मक हैं, धनात्मक हैं। तो यहाँ पे बोला है इनके वर्गमूल, मतलब इनकी यहाँ पर एक की पावर दो, चार की पावर दो, छः की पावर दो, सात की पावर दो, आठ की पावर दो, ये जो हमारी इसका वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, इसके जो वर्गमूल होते हैं वह क्या होते हैं? अपरिमेय होते हैं, मतलब इनकी संख्याएं नहीं बनती हैं। यहाँ पे संख्याएं जो होंगी अपरिमेय और परिमेय दोनों मिलाकर बनती हैं ना, वास्तविक संख्या बनती है। तो यहाँ पे हमारा बोल रहा है कि यहाँ पे उनकी संख्याएं नहीं होती अपरिमेय, यदि नहीं तो, यदि उनके वर्गमूल नहीं है अपरिमेय संख्या अगर नहीं होती है तो संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। हमको इसमें कुछ नहीं करना है, केवल एक उदाहरण देना है कि आखिर एक कैसे परिमेय संख्या होगी, उस कैसे हमारी एक क्या होगी परिमेय संख्या होगी। सभी अब हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। अब हम लोग जानते हैं सभी नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। अभी हम बताए ना सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल क्या होता है? अपरिमेय नहीं होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सभी 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 धनात्मक धनात्मक पूर्णांकों पूर्णांकों का वर्गमूल 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 धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय अपरिमेय नहीं होता है, नहीं होता है, होता है। इसके हम उदाहरण समझते हैं आखिर क्यों ये, क्या नाम है, सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल, जैसे
हम तुम लोगों से बताए कि वास्तविक अपरिमेय संख्या किस परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या किस चीज़ में लिखी जाती है, कर्णी में लिखी जाती है, कर्णी में लिखी जाती है। तो कर्णी में लिखी जाती है तो एक कर्णी में से बाहर जब निकलता है, हम तुम लोगों को बताए हैं जैसे बाहर निकालते हैं यहाँ तीन गुणे तीन हो जाएगा, तीन गुणे तीन हो जाएगा, तो यहाँ पर से एक ही संख्या को हम लोग बाहर निकालेंगे ना, कि दोनों संख्या जोड़े बने हुए संख्याओं में से एक ही संख्या वर्गमूल अगर पूछ रहा है तो उसमें एक दो संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं, घनमूल पूछता है तो तीन संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं, तो यहाँ वर्गमूल पूछ रहा है ऐसे ऐसा वर्ग बनाना है हमको कि जो दो संख्याओं को एक संख्या ही एक ही संख्या हो। जैसे यहाँ पर चार है तो चार का दो गुणे दो हो जाएगा, नौ है तो तीन गुणे तीन हो जाएगा, या और यहाँ पे मान लो तुम्हारा उनचास है, उनचास का तुम्हारा क्या होगा सात गुणे सात होगा, तो ये हमारे वर्ग बन रहे हैं, मतलब सात का वर्ग हमारा उनचास आएगा और यहाँ चार क्या नाम है दो का वर्ग हमारा चार आएगा और तीन का वर्ग हमारा नौ आएगा, नौ आएगा ना, तो ये हमारे वर्गमूल होते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे बोला है कि उदाहरण के साथ हमको समझाना है कि ये अपरिमेय है कि परिमेय है। तो यहाँ पे परिमेय संख्या का एक उदाहरण लेते हैं, जैसे उदाहरण उदाहरण लेंगे तो यहाँ पे कोई एक संख्या ले लेते हैं कर्णी में ले ले नाइन, नाइन का अगर वर्गमूल करना है तो यहाँ कर्णी में तीन गुणे तीन होगा, तो वर्गमूल में से हम बोले कि एक ही संख्या को बाहर निकालते हैं और एक संख्या अपने एक ही संख्या को जो संख्या हमारी बाहर निकलती है उसमें से केवल तीन बाहर निकल आएगा और ये तीन हमारा अपने आप क्या होगा हट जाएगा। तो यहाँ पे तीन क्या है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तीन क्या है हमारा एक परिमेय संख्या है, तीन हमारा एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे अब हमारा नया क्वेश्चन है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर कर्णी में पाँच को किस प्रकार निरूपित किया जाता है जिस निरूपित किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग एक यहाँ पे पाइथागोरस परिमेय के हिसाब से इस सवाल को हम लोग हल करेंगे, पाइथागोरस परिमेय के अब पाइथागोरस परिमेय कौन से वैज्ञानिक ने उदाहरण दिया था, अगर मान लो पाइथागोरस परिमेय का अगर कोई कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने पाइथागोरस परिमेय का नियम समझाया था, तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस परिमेय का जो नियम था वो आया था 1400 ईसा पूर्व में, और इसका जो ग्रीस के प्रसिद्ध गणितज्ञ और दार्शनिक पाइथागोरस एवं अनुसूचित को हम लोग यहाँ पे दर्शाएंगे। तो यहाँ पे हमारा हो रहा है जैसे क्या बोला जाता है वास्तविक संख्या जो होती है उस संख्या का निरूपण होता है, उस संख्या का क्या होता है निरूपण होता है। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि संख्या यस को अपरिमेय संख्या कहा जाता है आप यह जानते हैं कि अपरिमेय संख्या रूप के अनेक अपरिमेय संख्याएं होती हैं, प्रत्येक अप संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा जैसे किसी भी चीज़ को अपरिमेय संख्याएं हम तुम लोगों को बताएं, जैसे कड़ी में दो तीन पाँच ये सब संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी, वो हमारी क्या हो जाएंगी अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। तो अपरिमेय संख्याएं जो होंगी वो क्या होंगी एक वत्सल्य होंगी, जैसे
यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, बस तुम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि वास्तविक संख्या जो होती है परिमेय और अपरिमेय के सिद्धांतों पर बनी होती है। वास्तविक संख्या जो होती है वो किसी भी पद्धति की जो होती है वो वास्तविक संख्या संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं पर बनी होती हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है, उसका पहले एक छोटा सा हम लोग पहले उदाहरण देख लें, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं नए टॉपिक पर। एक संख्या रेखा पर के स्थान पर, संख्या रेखा के स्थान पर जैसे किसी भी संख्या का मान, किसी भी संख्या का मान हम लोग क्या करते हैं, कर्णी में 1+1 लिखते हैं, 1+1 लिखते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो कर्णी में 2 हो जाएगा, और इसका मान अगर निकालना रहेगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 × 1 करेंगे तो 1 ही रहेगा ना, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बच्चों आज के लिए धन्यवाद, कल हम इसके अगला टॉपिक बताएंगे आप लोगों को।